हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। डिवीजन कैन बी शोन इन टू वेज। लास्ट वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जिसमें डिवीजन को इस तरह शो किया गया था, लाइक दिस 12 / 3 = 4। तो यहाँ पर मैं आपको इनका मीनिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये 12, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि द नंबर विच वी डिवाइड। हमें 12 को डिवाइड करना है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और सेकंड ये 3, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड, यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं। एंड लास्ट इज कॉल्ड क्वोशेंट, यानी कि क्वोशेंट इज द आंसर आफ्टर डिवाइड। डिवाइड करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा कोशेंट। यानी कि जब हमने 3 का टेबल्स 4 टाइम्स बोला, 3 × 4 = 12, तो हमारा 4 आंसर आया और इसको हम कोशेंट बोलते हैं। इस फॉर्म को हमने लास्ट वीडियो में किया था, इस तरह का डिवीज़न हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी हम इसको अनदर वे किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले डिविडेंड, जो डिविडेंड है उसको हमें मिडिल में लिखना है, बीच में लिखना है। उसके बाद जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, लाइक 3, हेयर 3 इज़ अ डिविज़र, तो डिविज़र को हमें यहाँ बाहर की साइड में लिखना है, ओके। और हमारा जो आंसर होगा वो ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन, इट मींस क्वेश्चन को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिविज़न फॉर्म। अब इसे कैसे करना है, लेट सी वन एग्जाम्पल। सबसे पहले ये जो 15 है ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिविज़र है। और 3 का टेबल जब हम बोलते हैं तो 3 × 5 = 15 होता है, तो हम यहाँ 15 को वापस से लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर माइनस करना होता है, जब हम 15 में से 15 माइनस करते हैं तो 0, ओके। लेट सी वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ 2 लिखा है, यानी 2 और यहाँ 10, यानी कि 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमें इस 2 का टेबल बोलना पड़ेगा, 2 का टेबल रिसाइट करना पड़ेगा। हम 2 का टेबल जब तक रिसाइट करेंगे जब तक उसमें 10 नहीं आएगा, ओके। यानी क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, यस। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10। सो 2 × 5 =, सो ये जो 5 है ये वो हम यहाँ लिखेंगे, 2 × 5 = 10। और एक बार फिर से हम 10 यहाँ लिखेंगे और अब हम इनको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और हम माइनस करेंगे। 0 − 0 = 0, 1 − 1 = 0, ओके। सो ये जो हमारा 5 है ये हमारा आंसर है, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, 15 is divided by 5, यानी जो डिविडेंड है वो हमेशा बिगर होता है और वो जो है हमें बीच में लिखना है, मिडिल में लिखना है। अब हम 5 का टेबल डिसाइड करेंगे, 5 × 5 = 15, क्योंकि 5 के टेबल में 5 × 15 आता है, तो 5 × 5 = 15। अगेन हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और हम इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हमारा नीचे जो है 0 0 आएगा, ये इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अभी हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 0 है, ओके। थैंक यू।